Okay, hello, once again, good afternoon all of you. In the previous class, we are discussing about the fundamental of nursing portion. Today, we are going to be discussing about the anatomy and the physiology portion. Okay, so aaj hum anatomy and the physiology ke portion se related discussion karenge. Okay, let's be starting with the immune system, that is the excretory system or also known as the यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम या फिर उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ओके. एज अ इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी एंड द यूरिनरी सिस्टम एज अ मैनी वेस्ट एंड द सेलुलर वेस्ट केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस और द नाइट्रोजिनस और अदर मेटाबॉलिक एंड अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डाइल्यूटेड इन द ब्लड. ठीक है, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे जो ऐसे वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट, मतलब उसके अंदर घुले हुए होते हैं हमारे ब्लड के अंदर. ठीक है, एज अ सेल्युलर वेस्ट, मतलब जो ब्लड होता है वो हर सेल के पास में जाता है. ठीक है, तो हर सेल के पास में जो सेल जो डैमेज होती रहती है, तो उस सेल का जो वेस्ट होता है वो उस ब्लड के अंदर मिलता रहता है. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे जो केमिकल्स वगैरह होता है, तो उस केमिकल का वेस्ट होता है, मतलब जैसे हम खाना पीना लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म होने जाने के बाद में उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, बहुत सारे जो मेडिसिन वगैरह हम जो लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो यूटिलाइज होने के बाद में उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक केमिकल टॉक्सिन के फॉर्म में, मतलब एक जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, वो भी उस ब्लड के अंदर घुले हुए होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन के जो पार्ट वाले जो नाइट्रोजन से बने हुए जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा अदर द मेटाबॉलिक एंड, ठीक है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल जो बनता है, ठीक है, मतलब जैसे भी कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो उसका यूटिलाइज हो जाने के बाद में उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर सर्कुलेट करते हैं. ठीक है, और ये सारी जो वेस्ट होता है वो अनवांटेड होगा, मतलब हमारे ब्लड के अंदर उस बॉडी के अंदर उसका कुछ जरूरत, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर नहीं होता है, और वो भी वो ब्लड के अंदर फिर भी वो उसके अंदर घुले हुए होते हैं. ठीक है, एज ब्लड बिकम फिल्ट्रेट एंड द वेस्ट मटेरियल एट लास्ट सेपरेटेड कॉल्ड द यूरिन. ठीक है, और एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ब्लड होता है वो एकदम पूरी तरह से फिल्ट्रेट होता है. ठीक है, मतलब वापस जो ये सारे जो वेस्ट मटेरियल, सेलुलर वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस वगैरह होते हैं, केमिकल जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस उसके अंदर ऐसा होता है कि ब्लड होता है उसके अंदर पूरा फिल्ट्रेट होता है, और लास्ट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, यूरिन. ठीक है, तो मेडिकल टर्म के अंदर जो ब्लड का फिल्टर होने के बाद में जो टॉयलेट जो बनता है, ठीक है, तो उस टॉयलेट को मेडिकल टर्म के अंदर हम यूरिन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर मिले हुए, उसके अंदर घुले हुए होते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर ये अनवांटेड होता है, हमको इसका कोई जरूरत नहीं होता है. इसके अलावा इस प्रोसेस के द्वारा जो ब्लड होता है वो उसके अंदर फिल्ट्रेट होता है, और ये सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेपरेट होता है, मतलब अलग किए जाते हैं ब्लड से. ठीक है, तो उसके लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उस वेस्ट मटेरियल को हम यूरिन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एंड द प्रोसेस डन बाय द किडनी एंड द इट्स सब ऑर्गन. ठीक है, और ये सारा जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, द किडनी एंड द इसके सब ऑर्गन, मतलब किडनी या फिर इसके अलावा दूसरे जो पार्ट होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, तो इनके द्वारा ये यूरिन का फॉर्मेशन और ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का जो काम होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाहर निकालने का प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होगा, द किडनी और द इट्स सब ऑर्गन, इसके सब ऑर्गन के द्वारा. सब ऑर्गन का मतलब होगा कि किडनी के द्वारा जो उसके अलावा अदर जो ऑर्गन होते हैं वो भी इसको सपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो वो सब ऑर्गन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, और बिग ट्रैक पीस फॉर्म. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगा इसके अंदर एक बिग ट्रैक, मतलब एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है, तो वही सिस्टम कौन सा रहेगा, द यूरिनरी सिस्टम.
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर जो एक सिस्टम बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एज अ फिल्ट्रेट द ब्लड फॉर्म द वेस्ट मैटर के अंदरी, सो इट इज कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। मतलब एक जो बी जो ट्रैक को फॉर्म होएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा द एक्सक्रीटरी जो ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दो ट्रैक होते हैं वो उसके अंदर बनेंगे, मतलब यूरिन का जो जो प्रोसेस होगा ब्लड को फिल्टर करने का और यूरिन को फॉर्मेशन करने का, जो एक किडनी और उसके जो सब ऑर्गन्स मिलके एक बहुत से बड़े सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं, जिस सिस्टम को हम यूरिनरी या फिर एक्सक्रीटरी ट्रैक, ट्रैक का मतलब होगा एक रास्ता या फिर एक पूरा सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम किसलिए बोलते हैं, एज फिल्ट्रेट द ब्लड, मतलब ब्लड को फिल्टर करने के बाद में फॉर्म द वेस्ट, मतलब इसके अंदर ब्लड को फिल्टर करने के बाद में एक वेस्ट मटेरियल होता है जो बनता है, उसको हम यूरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस सिस्टम को हम क्या नाम से भी जाना जा सकता है, द यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद में जो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल वो होता है वो अलग किए जाते हैं और अलग करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हम यूरिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज अकर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द वेस्ट मटेरियल एज द यूरिन रिमूव फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली जो कॉमन जो वर्ड होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी शरीर के अंदर है उसको रिमूव करना, रिमूव आउट, ठीक है। तो रिमूव आउट का जो प्रोसेस होता है उस वर्ड को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कि ब्लड के अंदर से बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है तो उसको पहले सेपरेट किया जाता है, यूरिन बनाया जाता है, इसलिए हमने उसका नाम दिया यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। पर जो यूरिन होता है वो ऐसे अलग होने के बाद में हमारे अंदर से भरा हुआ तो नहीं रहेगा, उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इस सिस्टम को हम दूसरा किस नाम से जान सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है उसको वापस बॉडी से बाहर भी निकाला जाता है तो उसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एज द वेस्ट मटेरियल जो बना हुआ है वो यूरिन होता है वो रिमूव फ्रॉम द बॉडी, मतलब यूरिन के फॉर्म के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी एंड द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। अभी आपका डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है अबाउट द मीनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी एंड द यूरिनरी सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट एज अनदर देन द किडनी द अदर सम ऑर्गन्स आल्सो देयर एक्ट एज द एक्सक्रीशन एज द इंटेस्टाइन द स्की द लिवर द लंग्स बट द यूरिनरी ऑर्गन्स एज द किडनी इज मच प्रायोरिटाइज, ठीक है। मतलब इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक या फिर जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी और इसके अलावा इसके जो सब ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बट इसके अलावा और भी जो दूसरे जो ऑर्गन होते हैं वो भी जो एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये लाइन ये कह रही है कि इन सब जो यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं इनके अलावा और भी कोई ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो वो भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एज अ इंटेस्टाइन, ठीक है, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो लैट्रिन के फॉर्म के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो स्किन वाले पार्ट के अंदर से भी जो पसीना होता है जो पसीने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल सकता है हमारी बॉडी के अंदर से। इसके अलावा लंग्स, मतलब लंग्स के द्वारा भी जो वेस्ट मटेरियल
हवा के फॉर्म के अंदर या फिर जो वेपर्स के फॉर्म के अंदर वो बाहर होता है वो निकल सकता है, ठीक है। बट इसके अलावा जो किडनी होता है वो मेन उसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो हमारा किडनी वाला जो इससे रिलेटेड जो सिस्टम होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने के लिए जो प्रायोरिटी होती है वो किसको दी जाएगी, द यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट होते हैं जो किडनी होती है वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। The next one, the इस सिस्टम के अंदर जो हम दो पार्ट के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे उसके अंदर टर्म रहेगी द नेफ्रोलॉजी और द यूरोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस के ऊपर हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म आपके सामने है द नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो वर्ड जो टर्म रहेगा तो नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी का मतलब रहेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी एंड द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द किडनी, ठीक है। मतलब जो नेफ्रोलॉजी ये एक टाइप का जो साइंस की जो ब्रांच होती है जिसके अंदर जो किडनी वाला जो पार्ट होता है तो किडनी के जो नॉर्मल उसके जो एनाटॉमी या उसके जो फंक्शन होता है उससे स्टडी की जाती है, और इसके अलावा किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है वो उसी तरफ डिस्कशन करते हैं। तो वो ब्रांच होगी वो नेफ्रोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। इसको नेफ्रोलॉजी नाम कैसे पड़ा, नेफ्रो, ठीक है। नेफ्रो का मतलब होता है कि किडनी के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, हम आगे के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे बट अभी ये इस टर्म का आपको क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो किडनी वाले पार्ट के अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो किडनी का जो फंक्शनल इक्वल मतलब जो फंक्शनल यूनिट जो होती है सेल जो मेन सेल होती है किडनी के अंदर जो यूरिन का फंक्शन जो यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो इस नेफ्रॉन से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो नेफ्रॉन की स्टडी करना कहलाएगा नेफ्रोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर डिटेल के अंदर हम देखेंगे स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी एंड द पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी का मतलब होगा डिजीज कंडीशन, ठीक है। मतलब जो डिजीज वाली जो स्टेट होती है किडनी के अंदर तो वो सब स्टडी की जाएगी अंडर द नेफ्रोलॉजी ब्रांच के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट वन द टर्म रहेगा द यूरोलॉजी, ठीक है। द यूरोलॉजी का मतलब आप देखिए यूरो का मतलब होता है यूरिन, यूरो का मतलब आप लीजिए यूरिन से, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो यूरिन का स्टडी, ठीक है। तो इसको डिटेल के अंदर जानेंगे एज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस, मतलब मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है डील विद द मेल एंड द फीमेल यूरिनरी सिस्टम, मतलब जो मेल और जो फीमेल मतलब जो औरत या फिर जो मेल होता है मतलब जो पर्सन जो होता है जो बॉयज और गर्ल्स के बीच के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो मेल होता है, ठीक है, मतलब जो एक आदमी होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका स्टडी उसके अंदर किया जाएगा, तो वो उसके अंदर आएगा अबाउट द यूरोलॉजी, ठीक है। तो यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे इस यूरिनरी और द एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो यूरिनरी सिस्टम होगा वो इन दोनों ब्रांचेस के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, तो इससे रिलेटेड हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। मतलब जो यूरिनरी सिस्टम होता है तो उसके अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन्स रहेंगे वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, और ये पूरा जो सिस्टम है जो पूरा रास्ता होता है वो उसके अंदर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। मतलब ये ऑर्गन्स मिलके यूरिनरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर रहेगा द टू किडनी, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो दो किडनी होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके अलावा टू यूरिटर, ठीक है, इसके अलावा टू यूरिटर उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट वन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और द वन यूरिथ्रा एंड द वन प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो वो ओनली फॉर मेल के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर दो किडनी रहेगी, टू यूरिटर रहेंगे, वन यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरिथ्रा एंड द वन प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो उसके अंदर रहती है।
ओके तो इसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो यूरिनरी जो सिस्टम रहता है, तो इस टाइप का जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर तो अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए टू किडनी, ठीक है, तो ये दो किडनी होगी वो अवेलेबल इसके अंदर रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट टू यूरिनरी, ठीक है, मतलब ये जो पाइपलाइन होती है यूरिन होता है वो किडनी से यहाँ पे लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल एक नली लगी होती है, तो ये दो यूरिनरी होगी, एक और ये दो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यूरेथ्रा, ठीक है, तो वन यूरेथ्रा मतलब ये वाला जो पार्ट होता है वो एक यूरेथ्रा उसके अंदर अवेलेबल रहेगी। देन नेक्स्ट वन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक नंबर के अंदर अवेलेबल रहता है। देन नेक्स्ट वन प्रोस्टेट ग्लैंड, और दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल, ठीक है, ओनली फॉर द आदमी होता है उनके अंदर ही प्रेजेंट होती है ये आसपास के अंदर, जो ये डार्क आपको दिख रही है ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के आसपास के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये सिस्टम मिलके पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है वो उसके अंदर बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन उसके अंदर करेंगे अबाउट द ये पूरे जो यूरिनरी ऑर्गन्स रहेंगे उससे रिलेटेड हम डिस्कशन डिटेल के अंदर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन द डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द किडनी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर जो किडनी वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी और जो ब्लैडर वगैरह यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो इन ऑर्गन्स से रिलेटेड हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द किडनी, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, इसको हम रीनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किडनी को हम जो मेडिकल टर्म होता है उस मेडिकल टर्म के अंदर किडनी को रीनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। तो किडनी को रीनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो किडनी का स्ट्रक्चर आप देखो, तो स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी यदि आता है, ठीक है, तो डायग्राम या फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी रहेगा तो इस स्लाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किडनी का इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप पार्ट्स आप देख लीजिए कि ये किडनी वाला किडनी होती है दो होती है ऐसे ही ऐसे सेम एज इट इज इसके सामने की तरफ इसके अंदर रहेगी, ठीक है। बट ये वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला, ठीक है, और ये इसका बाहर का पार्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन रहेगा और इस पाइप लाइन से वो आगे की तरफ बनने के बाद में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो इसकी जो लेयर्स होती है, तो सबसे जो आउटर जो लेयर होती है उसको रीनल फेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर बीच वाली जो लेयर होती है उसको एडिपोस कैप्सूल का बोलते हैं, ठीक है। ये जो डार्क आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो डार्क इसके अंदर जो लेयर होती है वो एडिपोस कैप्सूल मतलब एक जो फैट की बनी हुई, एडिपोस एक फैट का नाम होता है, तो एडिपोस एक जो फैट की टिश्यू की लेयर जो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है बीच के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कैप्सूल का मतलब रहेगा कि ये अलग अलग इससे तो ऊपर नीचे टाइप की है, ठीक है, बेसिकली ऐसी नहीं होती है बट आपको समझ में आ सके इस वे के अंदर इसको टेढ़ा मेढ़ा हमने बनाया गया, ठीक है। ये डायग्राम के लिए आपको समझ में आने के लिए बनाया गया, ठीक है, बट बेसिकली सब एकदम सीधी उसके अंदर है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे वाली जो लेयर है उसके बीच के अंदर आपको दिख रही है ये रीनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो डायरेक्टली किडनी के पार्ट के अंदर जो डायरेक्टली उसके अंदर जुड़ी हुई होती है किडनी से, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द आएगा द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एक्चुअल में जो रीनल जो किडनी होती है वो लाल कलर की दिखती है, ठीक है। तो लाल कलर का जो हमको पार्ट दिखता है, ठीक है, बट इस लाल कलर के पार्ट के ऊपर भी ये जो तीन लेयर होती है वो चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तीन लेयर कौन कौन सी रहेगी, द रीनल फेशिया, द एडिपोस कैप्सूल एंड द रीनल कैप्सूल, ठीक है। और इस इन तीनों लेयर के बाद में जो एक्चुअल में जो किडनी हमको लाल कलर की दिखती है वो दिखने का रीजन रहेगा अबाउट द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। इन सब के ऊपर ये जो तीनों लेयर होती है वो उसके अंदर जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इस कवरिंग के ऊपर ये तीनों लेयर रहेगी और एक्चुअल में जो किडनी होगी वो ये वाला जो रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो एक्चुअल में रीनल जो किडनी वाला पार्ट होता है ये तीनों लेयर होती है इसके बाहर की तरफ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट वन आप देखोगे कि ये जो किडनी होती है वो इसके अंदर डिवीजन किया गया है, ठीक है, मतलब जो किडनी के अंदर लोब्स होते हैं वो मतलब इसे सेपरेशन पार्ट इसके अंदर डिवीजन किए गए, ठीक है। तो ये जो लोब्स रहेंगे अप्रोक्स 5 से 7 लोब्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, किसी के अंदर 5 से लेकर 7 लोब उसके अंदर डिवीजन किए हुए होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन ये आपको जो ट्रायंगुलर, ठीक है, मतलब जो इस ट्रायंगुलर शेप का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप में जो शेप वाला जो पार्ट स्ट्रक्चर उसके लोब्स के बीच के वाले पार्ट के अंदर होता है, तो ये किडनी के बीच वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका जो नाम होगा वो हम क्या रखेंगे, द रीनल मेडुला, ठीक है। रीनल का मतलब किडनी और मेडुला का मतलब ये मिडल के अंदर है, ठीक है, किडनी के बीच वाले पार्ट के अंदर है, इसी की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, द रीनल मेडुला, ठीक है, क्योंकि ये किडनी के अंदर बीच वाले पार्ट के अंदर होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे द रीनल मेडुला। और ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका लोब्स होता है, ठीक है, किडनी के ये लोब्स रहेंगे, ठीक है, ये किडनी के लोब्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 से 7 नंबर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला पार्ट आप देखिए, किडनी के अंदर ये वाला जो छोटी छोटी जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे माइनर कैलिस, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये मेडुला वाला जो पार्ट होगा, इस मेडुला वाले पार्ट से ऐसे जो छोटी छोटी पाइपलाइन निकलती है, ठीक है, तो इन पाइपलाइन को माइनर कैलिक्स बोलेंगे, और ये जो पाइपलाइन होती है वो दोनों मिक्स होती है तो वो मेजर कैलिक्स, ठीक है। फिर यूरिन बनने के बाद में जो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको रीनल पैलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो रीनल पैलिस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पाइपलाइन रहेगी वो बेसिकली यूरिटर होता है, तो किडनी के बाहर वाला जो पार्ट अंदर जो सब ऑर्गन्स के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये बीच के अंदर जो लाइन होती है, ऐसी लाइन बेसिकली उसके अंदर होती नहीं है, बट आपको ओनली वो समझाने के लिए ये बनाई गई, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ठीक है, इसके बाहर वाले पार्ट के अंदर जो कोई भी जो ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह होती है, तो यहां से मतलब इस पार्ट से अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, किडनी के अंदर जाने वाली, ठीक है। तो ये अंदर इस पॉइंट को हम बोलेंगे द रीनल हाइलम, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके अंदर से जो किडनी के अंदर सारे जो ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह होती है या फिर अदर कोई लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होती है तो किडनी के अंदर एंटर करती है, तो उस एंट्री वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, द रीनल हाइलम, ठीक है। डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा, बट स्ट्रक्चर के अंदर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पार्ट उसके अंदर होते हैं। The next one, the, ये ब्लड वेसल्स या फिर जो नर्व्स वगैरह होती है वो उसके अंदर एंट्री करते हैं, तो उस एंट्री पॉइंट को, उस गेट को हम क्या बोलेंगे, द रीनल हाइलम, ठीक है। पर ये एंटर करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, इसीलिए आगे वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे द रीनल साइनस, ठीक है, इसको हम रीनल साइनस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मतलब रीनल साइनस होगा वो हाइलम के अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है इससे सारी जो ब्लड वेसल्स वगैरह एंट्री होती है, पर एंट्री होने के बाद वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कोई इधर जाती है, कोई इधर जाती है, इधर जाती है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे द रीनल साइनस, ठीक है। तो रीनल साइनस वाला इससे अंदर वाला पार्ट और इससे बाहर वाला पार्ट कहलाएगा रीनल हाइलम, और इससे अंदर वाला जो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसको हम बोलेंगे द रीनल साइनस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, किडनी के डायग्राम के अंदर आपको ये सब पार्ट होते हैं वो आपको शो करना रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन, तो किडनी के एनाटॉमी से रिलेटेड हम डिस्कशन करें तो किडनी होती है वो 2-way ऑर्गन होता है, मतलब दो जोड़े के अंदर रहती है, एक राइट साइड के अंदर एक लेफ्ट साइड के अंदर, दोनों पार्ट के अंदर 2 नंबर के अंदर किडनी अवेलेबल रहती है, ठीक है। उसका जो कलर रहेगा वो रेडिश ब्राउन, ठीक है, मतलब रेड कलर का, रेड और थोड़ा ब्राउन कलर का रहेगा, रेड लाल कलर भी दिखेगा और ब्राउन कलर दोनों मिक्स कलर के अंदर दिखेगा, ठीक है। शेप रहेगा वो बी शेप, ठीक है, मतलब जो ऐसे बटाने होते हैं, ठीक है, मतलब इस साइड जो दाने होते हैं आपने देखा होगा, दो चवले होते हैं, ठीक है, चवले नाम का जो आपने बीज देखा होगा,
ठीक है, तो चपले कैसे होते हैं, इस शेप का होता है, ठीक है, तो उस चपले के शेप का जो रहेगा वो किडनी का शेप रहेगा, ठीक है, तो किडनी होगी वो बी शेप की होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, जो किडनी का जो वेट, ठीक है, तो किडनी का वेट होगा वो एवरेज जो वेट ऐसा माना जाता है 150 जो ग्राम उससे द किडनी का वेट होता है वो एवरेज माना गया है, ठीक है। बट इसके अलावा जो मेल और जो फीमेल के अंदर जो अलग अलग यदि हम डिस्कशन करें, ठीक है, तो मेल के अंदर जो किडनी का जो वेट होता है वो 125 ग्राम से लेकर 175 ग्राम उसके अंदर वेट जो किडनी का मेल के अंदर वेट उसके अंदर होता है, ठीक है, तो वो 125 ग्राम से लेकर 175 ग्राम जो वेट होता है वो मेल के अंदर मतलब जो आदमी होता है उसके अंदर वेट होता है किडनी का, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर किडनी का वेट होता है वो कम रहता है, क्योंकि जो फीमेल के अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा साइज से उसके अंदर कम होने की वजह से, ठीक है, तो 115 ग्राम से लेकर 155 ग्राम तक उसके अंदर वेट होता है वो फीमेल के अंदर किडनी का होता है, ठीक है, 150 to 155 ग्राम जो वेट होता है वो फीमेल की किडनी का वेट होता है, बट एवरेज दोनों का मापा जाए तो वो 150 ग्राम होता है वो किडनी का वेट एवरेज के अंदर मापा जाता है। देन नेक्स्ट वन द साइज, ठीक है, तो किडनी का यदि साइज यदि देखा जाए तो किडनी का जो साइज होता है वो 12 × 7 × 3 एंड 11 × 6.5 × 2, ये मेल और फीमेल की जो किडनी होता है उसका जो लेंथ, उसकी थिकनेस और उसके जो विड्थ मतलब जो लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई को मापा गया है, ठीक है, तो मेल के अंदर जो किडनी होगी उसका जो लंबाई मतलब जो मेल की जो किडनी होगी मतलब जो आदमी की जो किडनी होगी उसकी जो लंबाई मतलब इस तरीके से लंबा कितनी होगी किडनी वो 12 सेंटीमीटर तक रहेगी, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए तो मेल की जो किडनी होती है उसकी जो लंबाई मतलब ऐसी उसकी जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर तक रहेगी, ठीक है, उसकी जो थिकनेस, ठीक है, मतलब LWT, ठीक है, तो उसकी जो विड्थ मतलब उसकी जो चौड़ाई तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 7 सेंटीमीटर तक रहेगी, ठीक है, मतलब इतनी वो चौड़ी होगी, इतनी जो 12 सेंटीमीटर लंबी होगी और उसकी जो मोटाई होगी वो ओनली फॉर 3 सेंटीमीटर तक रहेगी, वो मेल की किडनी इसके अंदर रहेगी, ठीक है। एज इट इज जो उसके अंदर फीमेल वाला जो पार्ट होता है, फीमेल के अंदर जो किडनी होगी उसकी जो लंबाई होगी मतलब इस तरीके से इसकी लंबाई होगी वो 11 सेंटीमीटर रहेगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 6.5 सेंटीमीटर तक रहेगी और उसकी जो मोटाई रहेगी मतलब मोटा कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर तक मोटाई उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो ओके, दीज ऑल अबाउट द साइज, द वेट, द शेप एंड द कलर एंड द नंबर ऑफ द किडनी, ठीक है, तो किडनी के एनाटॉमी के अंदर इतना हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा द लोब्स, ठीक है, मतलब लोब्स को मैंने बताया कि इसके अंदर जो पार्टीशन उसके अंदर जो डिविजन किया हुआ होता है लोब्स के अंदर, तो किडनी के अंदर 5 to 7 लोब्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट अनदर जो एनाटॉमी जो रहेगी अबाउट द किडनी इसके अंदर रहेगा द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी बाय द मेसोडर्म एट द 22 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब अभी हम देखेंगे कि किडनी का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर बच्चा होता है वो उसके बच्चे के अंदर जो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर बनते हैं, मतलब जब नॉर्मली जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है, ठीक है, तो 9 महीने का होने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि पर मंथ के अंदर जो बच्चे के अंदर जो ऑर्गन्स होता है हर सिस्टम का फॉर्मेशन उसके अंदर होता है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो एक जो टिश्यू होता है या फिर उसके अंदर जो लेयर्स होती है वो रहेगी द मेसोडर्म, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो लेयर्स होती है एग्जाम्पल एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म, ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर्स होती है तो इन जो ये जो तीनों लेयर्स होती है वो ऑर्गन्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, बट ये किडनी को बनाने के लिए कौन से लेयर रेस्पॉन्सिबल रहेगी दैट इज अ मेसोडर्म, ठीक है, इनसे रिलेटेड डिटेल के अंदर आपको दूसरे क्लासेस के अंदर आगे क्लासेस के अंदर आपको फ्यूचर के अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है, बट अभी तक आपको इतना याद रखना है कि किडनी का जो डेवलपमेंट होता है
होता है वो मीजोडर्म नाम की जो लेयर होती है वो उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है किडनी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और कब होता है तो 22वां दिन, मतलब प्रेगनेंसी का तो 22वां दिन होता है। उस 22वें दिन के अंदर जो किडनी का फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द लोकेशन, ठीक है। तो किडनी का लोकेशन होगा वो कहां पे होता है, ठीक है। तो किडनी का जो लोकेशन होता है वो आप देखिए एज अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। मतलब पोस्टीरियर का मतलब होगा ये एंटीरियर, ठीक है, और ये जो पीछे वाला जो पार्ट रहेगा ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो आप देखिए कि जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, मतलब एब्डोमिनल वॉल दिए वो ये वाला पार्ट होता है, ये एंटीरियर। एब्डोमन का मतलब होगा हमारा पेट वाला पोर्शन, ठीक है। तो पेट के पीछे वाले पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो पेट का पीछे वाला पार्ट कौन सा, ये एब्डोमन का एंटीरियर, ठीक है। पीछे वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो किडनी होती है दोनों साइड के अंदर, एक ये राइट साइड के अंदर ये और ये लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर ये एब्डोमन का आगे वाला और ये एब्डोमन का पिछले वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस पिछले वाले पोर्शन के अंदर जहां पे तो दोनों किडनी होती है वो लोकेटेड रहती है, ठीक है। इसको हम रेट्रोपेरिटोनियल भी बोलते हैं, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होगा, रेट्रो का मतलब होगा पीछे की तरफ, ठीक है, या फिर जो पेरिटोनियल के पीछे की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब जो एब्डोमेन के अंदर जो लेयर होती है उस लेयर को हम पेरिटोनियल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एब्डोमेन के ऊपर एक जो अंदर की तरफ एक जो लेयर होती है, ठीक है, तो वो लेयर होती है उसके अंदर की तरफ, मतलब उसके आगे वाले पार्ट के अंदर जो एक किडनी वाला जो पोर्शन होता है वो उसके अंदर लोकेटेड रहता है, ठीक है। एज द ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है, इसके बीच के अंदर हमारे जो ये वर्टिब्रा होती है, ये जो वर्टिब्रा होती है इस वर्टिब्रा के साइड के अंदर, दोनों साइड के अंदर वर्टिब्रा के अंदर ये किडनी वाला स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन आपको याद रखना है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियल के पीछे की तरफ, और जो एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर वाले पार्ट के अंदर रहती है इसकी लोकेशन, ठीक है। The next one, the right kidney lower than the left due to the liver, ठीक है। अभी आप ये बात नोटिस कीजिए कि जो किडनी का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरा राइट वाला पार्ट है, ठीक है, और ये लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी होगी और ये राइट किडनी होगी, ठीक है। तो राइट वाले पार्ट के अंदर आप देखिए कि राइट वाले पार्ट के अंदर लिवर होता है, ठीक है, और इस वाले पार्ट के अंदर ये पार्ट होता हुआ खाली हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो राइट वाली किडनी होगी वो थोड़ी नीचे होगी, इस तरीके से होती है हमारी किडनी, ये लेफ्ट वाली होगी वो थोड़ी ऊपर होती है और ये जो राइट वाली होगी वो थोड़ी नीचे होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, लेवल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। पर लेवल के अंदर नहीं होने का रीजन क्या होगा कि इस जगह यहाँ पे दोनों बराबर लेवल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखा जाए, ठीक है। बट राइट साइड के अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, लीवर, ठीक है। तो लीवर के अंदर वजह से क्या होता है कि ये वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये लेवल होता है वो थोड़ा इस क्रॉस के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होगा कि इस लेवल के अंदर क्या आ जाता है, लीवर, ठीक है। तो लीवर की वजह से क्या होता है कि ये वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको ये ध्यान रखना है, द राइट किडनी, मतलब जो राइट साइड की किडनी होती है वो लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है उससे थोड़ी लोअर होती है, 2 सेंटीमीटर तक लोअर उसके अंदर रहती है, क्योंकि इसके लेवल वाले पार्ट के अंदर जो जगह होती है वो किसके द्वारा ली जाती है, द लीवर, ठीक है। वो लीवर होता है वो जगह पे आ जाता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ी नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द किडनी रिसीव द 25% ऑफ द ब्लड पर मिनट, ठीक है। मतलब जो हार्ट के द्वारा जितना जो ब्लड पंपिंग किया जाता है, अप्रोक्स 5 लीटर, मतलब 5 लीटर जो ब्लड होता है वो पर मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा पंपिंग किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। पर उसके अंदर से जो 25%, ठीक है, मतलब जो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर जो ब्लड होता है वो किडनी को ट्रांसफर किया जाता है, किडनी को खुद को फंक्शनिंग करने के लिए 1.5 लीटर जो ब्लड होता है वो किडनी को दिया जाता है, उसका 25%, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द सरफेस ऑफ द किडनी, ठीक है, किडनी की जो सरफेस, ठीक है। तो किडनी होती है इस वे के अंदर रहेगी, तो ये आगे वाला सरफेस होगा वो एंटीरियर
अब वो सर्फेस का मतलब होती है छत है, ठीक है, किडनी के ऊपर ये आगे वाला सर्फेस रहेगा ये एंटीरियर और पीछे वाला सर्फेस रहेगा वो पोस्टीरियर, ठीक है। तो वो इसके अंदर दो सर्फेस इसके अंदर रहेगी, द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, ठीक है। द नेक्स्ट वन द बॉर्डर, ठीक है। तो किडनी वाले पार्ट के अंदर बॉर्डर कितनी रहेगी, दो, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये किडनी होती है वही इसमें के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये वाली रहेगी एक, तो ये बीच वाला बॉर्डर रहेगा, ठीक है, और ये दो साइड के अंदर बॉर्डर, ठीक है। तो दो बॉर्डर इसके अंदर रहेगी। द मीडियल, मीडियल का मतलब ये किडनी इस तरीके से होती है दोनों, ठीक है। तो ये आगे वाला ये अंदर की तरफ बीच वाले पार्ट के अंदर मिडल के अंदर, तो ये मिडल वाला जो बॉर्डर रहेगी और ये इसके दोनों साइड के अंदर है, ठीक है। तो ये रहेगी साइड बॉर्डर, ठीक है। तो ये रहेगा मीडियम और द लेटरल साइड, मतलब जो ये साइड के अंदर ये लेटरल और ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो मीडियम बॉर्डर के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द किडनी, किडनी के एनाटॉमी के अंदर हमको ये सब को इंक्लूडेड करना रहेगा, ओके। द नेक्स्ट वन द एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर के बाद में द इंटरनल स्ट्रक्चर और द लेयर्स, ठीक है, मतलब जो किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जो किडनी को हम इस लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो इस सीधे फॉर्म के अंदर यदि हम कट करेंगे किडनी को, ठीक है, तो कट करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऐसे सीधे कट करने के बाद में ये स्ट्रक्चर होगा, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और द लेयर्स, मतलब जो किडनी की जो लेयर्स होती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन हम जो आउटर जो लेयर होती है, मतलब किडनी के ऊपर सबसे आउटर जो लेयर रहती है, तो ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये सबसे आउटर जो लेयर दिख रही है, ठीक है, ये एक टाइप की थिन लेयर, मतलब बहुत ही पतली सी जो लेयर होती है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब बहुत ही हार्ड टाइप के जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, बहुत ही पतले जो एक जो डेंस नाम का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका बना हुआ एक जो पतला सा लेयर होता है, ठीक है। हेल्प फॉर द होल्ड द किडनी स्टेबल इन द पोजिशन, ठीक है, और इसका जो काम क्या होता है कि किडनी को एक स्टेबल, मतलब तो किडनी जिस जगह के ऊपर होती है उस जगह के ऊपर उसको रोके रखने के लिए, अभी जो पकड़ के रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। ये नहीं होता तो किडनी होती वो यहाँ से दूर निकलकर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका किडनी का लोकेशन नहीं होता है, ठीक है, किडनी होती है वो पीछे की साइड के अंदर उसको होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये जो टिश्यू रहेगा तो वो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो दूसरों के साथ में उसको लोकेशन बना के रखेगा, मतलब उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है, उसको वापस हिलने ढूंढने नहीं देता, कई और जगह के ऊपर शिफ्ट होने नहीं देता, वो उसको जिस पोजीशन के अंदर है उसको स्टेबल, मतलब जो बिना किसी मूवमेंट के उसी जगह के ऊपर उसको स्टेबल रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द नेक्स्ट आल्सो कॉल्ड एज द फेशिया ऑफ द गैरोडा, ठीक है, और इस लेयर जो रीनल फेशिया होता है, इस रीनल फेशिया की लेयर का जो दूसरा नाम होता है द फेशिया ऑफ द गैरोडा, ठीक है। तो फेशिया ऑफ द गैरोडा का मतलब ये होगा रीनल फेशिया, ठीक है, इसका दूसरा नाम रहेगा फेशिया ऑफ गैरोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इसके बाद में जो इसके अंदर की तरफ लेयर होती है, ये रीनल फेशिया हमने डिस्कशन किया, ठीक है, इसके अंदर वाला जो लेयर होता है, ये जो मोटा सा जो लेयर आपको दिख रहा है ये फैट का बना हुआ एक जो लेयर होता है, फैट का बना हुआ एक जो लेयर होता है जिसको एडिपोज कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो सेकेंड जो लेयर होती है जो इस रीनल फेशिया जो लेयर होती है इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है जिसको एडिपोज कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एज इट इज अ फैटी टिश्यू लेयर, ठीक है, मतलब जो फैट की जो बनी जो फैट का जो टिश्यू होता है उस टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है। दैट इज इनर टू द रीनल फेशिया, रीनल फेशिया होता है इसके इनर की तरफ और जो रीनल कैप्सूल होता है उसके आउटर की तरफ रहती है, मतलब जो रीनल कैप्सूल होता है उसके तो ऊपर की तरफ और जो रीनल फेशिया होता है उसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो एडिपोज जो एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है, फैटी टिश्यू का मतलब फैट का बना हुआ एक जो
टिश्यू होता है, फैट जो टिश्यू होता है उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। इसका भी काम क्या रहेगा, हेल्प फॉर द सपोर्ट द किडनी इन द पोजिशन और द प्रोटेक्शन, ठीक है। फैट होगा वो हमको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या भी उसको सपोर्ट करेगा, उसको पोजिशन मतलब जो सही पोजिशन का तो उसको पकड़े रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। इसका काम भी सेम एज रीनल फेशिया की जैसा का जैसा रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट आल्सो कॉल्ड एज पेरी रीनल फैट, ठीक है। इस लेयर को हम पेरी रीनल, पेरी का मतलब रहेगा आस पास के अंदर, सराउंडिंग के अंदर। पेरी का मतलब आप जो भी आप देखिए आस पास का मतलब, जो आस पास का मतलब उसके सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पेरी, ठीक है, पेरी रीनल। अब रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, ठीक है। तो ये लेयर इसको हम क्या बोलेंगे, पेरी रीनल, मतलब जो ये किडनी है और किडनी के चारों ओर आस पास के अंदर जो फैट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरी रीनल फैट। इसी की वजह से इस लेयर को हम एडिपोज कैप्सूल या फिर जो पेरी रीनल फैट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दो लेयर रहेगी, द रीनल फेशिया एंड द रीनल कैप्सूल, सॉरी एडिपोज टिश्यू की लेयर। ओके, द नेक्स्ट वन जो थर्ड जो लेयर होती है किडनी के आसपास के अंदर, तो वो रहेगी द रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल वाला जो पार्ट रहता है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपने जो डिस्कशन किया इसका आउटर लेयर रीनल फेशिया एडिपोज टिश्यू, और उसके बाद में ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो एक लेयर है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये एकदम सीधी होती है पर आपको समझने के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर हो वो बनाया गया, ठीक है। तो इस लेयर को हम बोलेंगे द रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल का मतलब इसके अंदर रहेगा कि ये एक्चुअल में जो किडनी वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर की तरफ रहती है, ठीक है। तो ये एक टाइप की इट इज अ स्मूथ, मतलब बहुत ही स्मूथ टाइप की, मतलब बहुत ही सॉफ्ट टाइप की एक जो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी का मतलब इसके अंदर से आर पार जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको दिख सकता है, मतलब कांच की जैसी होती है, एकदम पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है, ठीक है। तो आर पार उसके अंदर हमको दिख सकता है, ठीक है। एंड द फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब जो फाइब्रस टिश्यू होता है, मतलब जो रेशे, तो धागे के जैसे जो रेशे होते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर का ये बना हुआ होता है, इस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ठीक है। That is rich in the nerve supply, ठीक है, called the notch receptor, ठीक है। और इसके अंदर जो nerve receptor, मतलब जो neurological जो nerves वगैरह होती है, तो वो उसके अंदर supply उसके अंदर ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलेंगे the notch receptor, ठीक है। मतलब ये वाला जो part आप देखिए, ये जो होता है इसको हम renal capsule बोलते हैं, ठीक है। तो इस type की जो renal capsule वाले part के अंदर क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग होती है वो इसके अंदर ज्यादा होती है। इसी के वाले पार्ट में जो नर्व रेस्पॉन्स के लिए जो नर्व एंडिंग होती है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो नर्व एंडिंग इसके अंदर ज्यादा रहेगी इसको इसी को हम बोलते हैं द नॉच रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करता है कि यदि किडनी के अंदर यदि यूरिन बनने लगता है, ठीक है, ये यदि यूरिन के अंदर उसकी वजह से प्रेशर लगेगा या फिर वो किडनी का जो पत्थर वगैरह बन गया, किडनी स्टोन वगैरह पतली वगैरह बन गई है, या फिर यूरिन इसके अंदर किडनी के अंदर ही भरा हुआ रह रहा है, आगे नहीं खाली हो पा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ही भरा हुआ रह रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, ये जो नर्व होती है वो उसके अंदर स्टिमुलेट होगी, और इसके वजह से क्या होगा कि हमको पेन इन द किडनी, किडनी के अंदर हमको पेन होगा वो उसके अंदर फील होगा, ठीक है। मतलब जो रीनल कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये एक टाइप का स्मूथ और ट्रांसपेरेंट फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है। जिसके अंदर जो नॉच रिसेप्टर नाम की जो नर्व्स एंडिंग होती है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यदि यूरिन उसके अंदर भर जाता है या फिर पथरी वाली जो कंडीशन किडनी के अंदर हो जाती है तो वो उसके अंदर पेन होता है, वो किडनी के अंदर सेंसेशन होता है, वो करवाता है, ठीक है। तो दर्द का एहसास होता है किडनी के अंदर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द नॉच रिसेप्टर, जो कहां पे होते हैं, एट द रीनल कैप्सूल वाले जो पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। इसके बाद में जो ये तीनों लेयर होती है वो हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जो लेयर रहेगी ये वाली जो अंदर वाली लेयर द रीनल कॉर्टेक्स रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन द
स्ट्रक्चर आपके सामने था, तो उसके ऊपर की जो तीन लेयर हमने डिस्कशन कर ली, ठीक है। इसके जो ऊपर वाली जो लेयर थी, इसके ऊपर की जो लेयर थी वो रीनल जो कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल वाली जो लेयर होती है, इसके ऊपर जो एक लेयर थी, जो ऊपर नीचे वाली जो लेयर थी उसको हमने रीनल कैप्सूल बोला, ठीक है। उसके ऊपर एक जो फैट की जो लेयर बनी हुई होती है वो एडिपोज टिश्यू की जो एडिपोज कैप्सूल की लेयर होती है, सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है वो रीनल फैशिया होती है। तो तीन लेयर हमने डिस्कशन कर लिया। वो उसके बाद में बहुत ही डार्क कलर की जो एक अपीयरेंस वाली जो एक लेयर होती है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो किडनी का जो पार्ट होता है वो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड द रीनल पेल्विस, ये तीन पार्ट के अंदर डिवीजन किया गया है, ठीक है। ये रीनल कॉर्टेक्स, ये बीच वाला पार्ट रीनल मेडुला एंड ये आउटर वाला पार्ट रीनल पेल्विस, ठीक है। ये उसके आउटर वाले इसके अंदर लेयर्स हमने पहले डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अब एक्चुअल में जो किडनी का जो पार्ट होता है वो रहेगा द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स वाली जो लेयर होती है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही डार्क रेड कलर की एक जो ब्राउन कलर की एक जो लेयर होती है, ठीक है, और रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ द टिश्यू, ठीक है। मतलब जो किडनी का जो लाल या फिर जो ब्राउन कलर का जो कलर हमने देखा था कि किडनी होती है वो लाल या फिर जो ब्राउन कलर की होती है, फिर इसके अंदर ये रीजन किस लिए होता है, क्योंकि इस रीजन की वजह से रीनल कॉर्टेक्स होता है वो इस रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तब बिलो द रीनल कैप्सूल, ठीक है, और ये रीनल कॉर्टेक्स होगी वो रीनल कैप्सूल, मतलब इसके ऊपर जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट जो लेयर, जिसको हम रीनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे वाली लेयर होती है वो रीनल कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। इट फॉर्म द डिविजन लोब्स ऑफ द किडनी बाय द कॉर्टिकल टिश्यू दैट फॉर्म एज द कॉलम ऑफ द बैटिनी, ठीक है। और ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, इससे जो कॉर्टिकल मतलब जो कॉर्टिकल नाम का जो टिश्यू होता है वो कॉर्टिकल टिश्यू होता है वो बनता है, और ये जो इसी लेयर के द्वारा जो किडनी के अंदर जो लोब्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो लोब्स होते हैं इनका जो डिविजन होता है, मतलब जो किडनी होती है वो अलग अलग पार्ट के अंदर उसका सेपरेशन, मतलब जो लोब्स के अंदर उसका डिविजन होने करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो लेयर होगी वो ये रीनल कॉर्टेक्स की वजह से, इसके अंदर जो कॉर्टिकल नाम का जो टिश्यू होता है उसकी वजह से होता है। और ये जो कॉलम बनता है, ये लोब्स जो बनते हैं, इन कॉलम को हम क्या बोलेंगे, द कॉलम ऑफ द बैटिनी, ठीक है। द कॉलम ऑफ द बैटिनी का मतलब जो रीनल कैप्सूल या जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो किडनी के अंदर लोब्स होते हैं उनका डिविजन करती है, ठीक है। तो इन लोब को हम क्या बोलेंगे, द कॉलम ऑफ द बैटिनी, ठीक है। तो कॉलम ऑफ बैटिनी का मतलब ये जो लोब्स किडनी के अंदर होते हैं उनको हम कॉलम ऑफ रीनल या फिर जो कॉलम ऑफ बैटिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Then next, it contains the globuli of the nephron, so it is much red in color, ठीक है। और आप ये एक बात भी सोच लीजिए कि किडनी का कलर ये लाल कलर का सबसे ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। इसका रीजन भी ये होता है कि इसके अंदर जो एक किडनी का जो मेन किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है आपके सामने, ये जो नेफ्रॉन के पार्ट है, ठीक है, इस तरीके का एक जो नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो इस किडनी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं होता, बट आपको ऐसे बताने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट होता है ये रहेगा ग्लोबुलस अपाइड्रेस, ठीक है, ये रहेगा जो डेसेंडिंग जो नेफ्रॉन वाला पार्ट रहेगा, ये डिसेंडिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, और ये वाला रहेगा जो जो कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो नेफ्रॉन के अंदर इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है वो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है, और फिल्टर होने के बाद में यहाँ पे उस तरीके से वो बाहर जाता है, मतलब तो ब्लड का जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो किडनी के अंदर इस वे के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। एज एग्जाम्पल आप देखिए कि इस जगह के ऊपर ये रीनल नेफ्रॉन होता है वो प्रेजेंट रहता है, ऐसे कैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो उसके अंदर मिलियंस ऑफ द स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस नेफ्रॉन का
ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो वो ये रीनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, इस रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड, इस नेफ्रम वाले पार्ट के अंदर ब्लड होता है वो फिल्टर के लिए आता है, और फिल्टर होने के बाद में वापस सिस्टम में जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी इसके अंदर से जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे वाले पार्ट के अंदर, ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे द असेंडिंग जो ट्यूब रहेगी, ठीक है। ये असेंडिंग ट्यूब वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ये लूप ऑफ हैंगले कहलाएगा, और ये जो असेंडिंग मतलब जो ऊपर जो बढ़ता हुआ जो पार्ट इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, ये लूप ऑफ हैंगले, ये नेफ्रम का पार्ट है। डिटेल के अंदर आपको आगे बताया जाएगा, बट ओनली फॉर इसके अंदर जो कॉर्टेक्स को समझने के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, जहां पे क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड फिल्टर के लिए आता है और ब्लड फिल्टर के लिए जाता है। तो आप सोचिए कि ब्लड का कलर कौन सा होता है, बेसिकली ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा रहेगा कि ये नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट होता है वो इसी क्वार्टेक्स वाले पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो क्वार्टेक्स का जो पार्ट होता है, रीनल क्वार्टेक्स का जो पार्ट होता है वो रेड कलर की वजह से दिखता है, क्योंकि इसके अंदर जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलाई वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर लोकेटेड रहता है एट द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्लोमेरुलाई जो पार्ट होता है उसके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड फिल्टर करने के लिए आता है, और फिल्टर होने के बाद में वापस जाता है बैक फ्लो, ठीक है। तो इसी की वजह से उसका कलर होता है वो रेड कलर के अंदर ज्यादा होता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन होता है वो किडनी के अंदर, इस किडनी के अंदर अटैच होता है, ये या इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस अपैरेटस, ठीक है। और ये वाला जो ये डिसेंडिंग जो ट्यूब रहेगी, ये लूप ऑफ हैंगले, और ये असेंडिंग ट्यूब रहेगी, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, ये वाला पार्ट मिडल के अंदर होगा, ये ऊपर वाला पार्ट वो आगे आगे वाली तरफ इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो रहता है, ब्लड फिल्टर करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये पार्ट यहाँ पे रहेगा, तो रीनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होगा वो हमको ज्यादा से ज्यादा लाल कलर की वजह से, उसके अंदर ब्लड की वजह से हमको लाल कलर का, वो रेडिश ब्राउन कलर का हमको टिश्यू उसके अंदर दिखता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द रीनल कॉर्टेक्स। ओके, द नेक्स्ट रीनल कॉर्टेक्स वाले जो एक पूरी जो रेड कलर का अपीयरेंस रहने वाली जो लेयर होती है, जो रीनल कॉर्टेक्स वाला मतलब जो किडनी का जो फर्स्ट पार्ट होता है रीनल कॉर्टेक्स, वो हमने डिस्कशन किया, ठीक है। द नेक्स्ट जो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो ये मिडल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो इस मिडल वाले पार्ट को हम बोलेंगे द रीनल मेडुला, ठीक है। तो रीनल मेडुला वाला जो पार्ट जो इनर मोस्ट लेयर मतलब जो बीच वाला जो सबसे इनर मोस्ट मतलब किडनी का अंदर वाला जो पार्ट होता है एट द मिडल ऑफ द किडनी, ठीक है। इट इज क्वानिकल शेप मतलब जो एक क्वान का जो होता है मतलब क्वान के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है दैट कॉल्ड द रीनल पिरामिड, ठीक है। इसको हम रीनल पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं क्वान के शेप के, ठीक है, जो क्वान शेप के जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं द रीनल पिरामिड, ठीक है। रीनल पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट द बेस कनेक्ट टू द रीनल कॉर्टेक्स और द अपेक्स एट द माइनर कैलेक्स, ठीक है। इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ये बेस रहता है, और ये जो पीछा वाला जो पार्ट होता है वो अपेक्स होता है, ठीक है। तो रीनल पिरामिड का जो पार्ट रहेगा ये बेस वाला जो पार्ट रहता है, ये बेस वाला जो पार्ट कहाँ पे, ये वाला आप देखिए, तो ये वाला पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स की तरफ, और ये आगे वाला जो तीखा वाला जो पार्ट रहेगा वो ये वाला जो स्ट्रक्चर है माइनर कैलेक्स, ये इनको हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे, द माइनर कैलेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रीनल पिरामिड का जो बेस वाला पार्ट रहेगा वो किसकी तरफ होता है, द रीनल कॉर्टेक्स की तरफ रहता है, और जो अपेक्स तीखा वाला जो पार्ट होता है वो किसकी तरफ रहेगा, द माइनर कैलेक्स, ये जो माइनर कैलेक्स होती है इसकी तरफ इसका पार्ट होता है, वो अपेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इट अपीयर पेन येलो इन कलर, ठीक है। इसके अंदर ये इसका जो अपीयरेंस होता है मिडल वाला पार्ट होता है वो हमको पेन जो पीला रंग का जो हल्का सा पीले रंग का
पीला हमको दिखता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पीला हल्का रंग, जो पीला हल्का रंग का दिखने का रीजन क्या होगा कि इसके अंदर जो लिनियल जो नेफ्रॉन वाला जो पार्ट होता है, तो नेफ्रॉन की जो ट्यूब होती है, जैसे कि ये वाला पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस अपार्टस होता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। पर जो नेफ्रॉन का प्रोसेस आप देखिए कि इसके अंदर ये आप देखिए कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से रीनल कॉर्टेक्स होता है वो रेड कलर का हमको ज्यादा दिखता है। बस इसके अंदर फिल्टर होने के बाद में फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये ग्लोमेरुलस अपार्टस रहेगा, ठीक है, इसके बाद में ये डिसेंडिंग होगा, जो डिसेंडिंग वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, ये लूप ऑफ हैंड में और ये वापस असेंडिंग वाला और ये कलेक्टिंग टर्न, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो आएगा और इस वाले पार्ट के अंदर ये जो ट्यूबिंग होती है, ये ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या रहेगा, यूरिन। तो इसके अंदर ब्लड फिल्टर होने के बाद में क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। और ये जो ट्यूब वाला जो पार्ट होगा, ये ट्यूब आप लिख रहे हैं, तो ये सब ट्यूब कहां पे आई हुई है, बीच वाला जो मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इस मेडुला वाले पार्ट के अंदर होता है। तो आप देखिए कि हमारे यूरिन का कलर कैसा होता है, थोड़ा हल्का पीले रंग का हमारा यूरिन होता है, ठीक है। तो इस मेडुला वाले पार्ट के अंदर जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब होती है, ठीक है, द डिसेंडिंग ट्यूब रहेगी लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग ट्यूब और द कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। तो ये सब की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर यूरिन का लेवल ज्यादा होगा, तो इसके वजह से जो इस पिरामिड वाला जो रीनल मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इसका जो कलर होगा हमको कैसा दिखेगा, हल्के पीले रंग का उसके अंदर अपीयरेंस हमको दिखेगा, ठीक है। द नेक्स्ट द कलेक्टिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द मेडुला कॉल्ड द रीनल पैपिला, ठीक है। और इसके अलावा एक जो स्ट्रक्चर होता है रीनल पैपिला, ठीक है। आप देखिए एज एग्जाम्पल आप देखिए कि ये रीनल मेडुला है, ठीक है, इसके अंदर ये एक वाला नेफ्रॉन वाला पार्ट है, ये एक नेफ्रॉन वाला पार्ट है, ये एक नेफ्रॉन है और ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है। तो इन सबका जो ये ट्यूब रहेगी, एक ट्यूब यहाँ पे जुड़ी, एक ट्यूब यहाँ पे जुड़ी, एक ट्यूब यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सारे की जो ट्यूब होगी वो एक जगह के ऊपर पॉइंट के वहां पे मिलती है। तो ये जो निप्पल की जैसा, मतलब जो तीगा वाला जो पार्ट होता है, जहां पे नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन की सारी ट्यूब होती है, ऐसी जो ट्यूब होती है वो एक पॉइंट के वहां पे मिलती है, ठीक है। तो इस मिलने वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एट दिस पॉइंट एज अ रीनल पैपिला, ठीक है। मतलब नेफ्रॉन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये रीनल कॉर्टेक्स के वहां पे, ठीक है, ये मेडुला वाले पार्ट की जो ट्यूब होती है और ये सारी ट्यूब होती है वो इस मेडुला के जो कॉन वाला शेप होता है, ठीक है, ये पहले पार्ट के अंदर सारी एक उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो उस मिलने वाले जो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, द रीनल पैपिला, ठीक है। ये सारी पॉइंट एक जगह के ऊपर मिल जाती है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे द रीनल पैपिला, ठीक है। तो ये रहेगा द सेकेंड जो रीनल का जो पार्ट होता है, द रीनल कॉर्टेक्स के बाद में रहेगा द रीनल मेडुला, जो बीच वाले पार्ट के अंदर जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, द नेक्स्ट वन, तो मिडल वाला जो किडनी का जो पार्ट रहेगा उसको हमने रीनल मेडुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट, तो मेडुला वाला जो पार्ट रहेगा, तो ये इस मेडुला वाले पार्ट को, इसके बीच वाला जो पार्ट हमने देखा था उसको डक्ट ऑफ बेरिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मीन्स जो हमने देखा था कि ये मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इसका जो ये तीजा वाला जो पार्ट होता है जिसको हम पैपिला बोलते हैं, तो इसका आप दूसरा नाम उसके अंदर ऐड कर दीजिए, उसका दूसरा नाम होता है वो डक्ट ऑफ बेरिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये इस डक्ट वाले पार्ट को यदि हम जो देख लेते हैं, ठीक है, कि इसके अलावा ये डक्ट वाले पोर्शन के अलावा यदि किडनी का ये पार्ट हमने डिस्कशन कर लिया और उसके बाद में बचने वाला जो पार्ट रहेगा इस तरीके से हमको दिखता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये जो पाइप लाइन के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं द माइनर कैलिक्स, ठीक है। और ये माइनर कैलिक्स होती है वो इस पॉइंट के वहां पे मिलती है, ठीक है, ये सारी एक जगह के ऊपर जुड़ती है, इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। मतलब जो रीनल पैपिला होता है वो जिस जगह से ऊपर जुड़ा हुआ होता है, तो इस पाइप लाइन को हम बोलेंगे जो माइनर कैलिक्स, ठीक है। और ये जो
हम बोलेंगे द मेजर कैलिक्स, ठीक है। द माइनर कैलिक्स द मेजर ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द मेडुला, मतलब जो मेडुला वाला जो पार्ट होता है वो इस पोर्शन के अंदर कनेक्टेड रहता है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर देखा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, द ट्यूबुलर पार्ट एंड द फ्लो ऑफ द यूरिन, ठीक है। इसके अंदर जो ट्यूब होती है तो इस ट्यूब के अंदर जो यूरिन होता है वो आगे इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इन दिस द पेस मेकर आर प्रेजेंट दैट स्टिमुलेट द रेगुलेट फ्लो ऑफ द यूरिन, ठीक है। और इसी वाले पार्ट के अंदर जो माइनर कैलिक्स वाला जो पार्ट होता है, इसी माइनर कैलिक्स के अंदर जो पेस मेकर होता है, ठीक है, मतलब जो नर्व स्टिमुलेट करने के लिए जो पेस मेकर उसके अंदर लगे हुए होते हैं, तो वो जो यूरिन का फ्लो होता है वो यदि जब हमको काम करना है तो उसका काम फ्लो बढ़ाता है, और यदि हमको ज्यादा यदि पानी पी रहे, ठीक है, तो इसके अंदर जो पेस मेकर होता है, ठीक है, मतलब जो ये माइनर कैलिक्स वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर पेस मेकर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल पर्सन होता है कम पानी पीता है तो हमने देखा होगा कि कम यूरिन होता है वो बनता है, ठीक है। बट हमको यदि जरूरत होती है कि पानी यदि फ्लो ज्यादा हो रहा है तो इसके अंदर ये क्या करता है कि इसके अंदर से यूरिन का फ्लो होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये पेस मेकर जब काम आता है, जब हमको ज्यादा यूरिन को बाहर निकालने का जरूरत होता है फटाफट, तो ये बाहर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हमको धीरे धीरे रोक के यदि यूरिन को रखना है तो वो भी उसके अंदर यूरिन का फ्लो होता है कम ज्यादा करने के लिए पेस मेकर होते हैं वहां पे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो पार्ट रहेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा ट्यूब का, इसको हम बोलते हैं द माइनर कैलिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ये जो माइनर कैलिक्स होती है जिस पॉइंट के वहां पर मिलती है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे द मेजर कैलिक्स, ठीक है, मतलब जहां से जो माइनर कैलिक्स होती है वो जहां से जुड़ती है उस पार्ट को हम बोलेंगे द मेजर कैलिक्स, ठीक है। और सारा यूरिन होता है वो वहां पे तो बाहर निकलने के लिए रीनल पैंक्रियास वाले पार्ट के अंदर जाता है, ठीक है। और ये मेजर कैलिक्स वाला जो पार्ट होता है वो कप शेप का होता है, जहां पे सारी माइनर कैलिक्स होती है वो जुड़ती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द लास्ट जो किडनी का जो पार्ट रहेगा द रीनल पैल्विस, ठीक है, मतलब जो एक कीप के जैसा, मतलब जो एक कीप वाला जो पार्ट होता है एक कीप के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उस साइड का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रीनल पैल्विस कहलाएगा, ठीक है। तो रीनल पैल्विस का जो स्ट्रक्चर रहेगा द एंड पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी का जो लास्ट जो पार्ट होता है वो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये रीनल पैल्विस कहलाता है, ठीक है। इट इज फनल शेप, मतलब जो कीप होता है, मतलब कोई भी फिल्टर करने के लिए फ्लूड को लेने के लिए जो कीप होता है, ठीक है, कीप का स्ट्रक्चर हमने देखा होगा ऐसा, तो कीप होता है किसी भी फ्लूड को भरने के लिए बोतल के अंदर भरने के लिए जो कीप होता है, तो ये वाला जो रीनल पैल्विस वाला जो पार्ट होता है वो कीप के शेप का होता है, ठीक है। एज रिसीविंग द यूरिन फ्लो आउट ऑफ द किडनी, ठीक है, इसके अंदर सारा यूरिन होता है वो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स के अंदर और वहां से आगे बाहर निकलने के लिए, तो यूरिटर के अंदर जाने के लिए जो रीनल पैल्विस के अंदर जो किडनी का जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर वो आता है, ठीक है। द नेक्स्ट अ पॉइंट इन इट वेयर द ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड द लिम्फ वेसल आर एंटर, ठीक है। और इसी रीनल वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि जब जिस पॉइंट के अंदर जो सारी ब्लड वेसल्स या फिर जो नर्व्स होगी ना एंटर होती है, तो उस एंटर के वाले पॉइंट को जैसा मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसको हम क्या बोलते हैं द रीनल हाइलम, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स आने के बाद में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किडनी के अंदर, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो पॉइंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे द रीनल साइनस, ठीक है। तो दोनों नाम, जहां पे एंट्री होती है उसको हम रीनल हाइलम बोलते हैं और जहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम रीनल साइनस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन रहेगा द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, ठीक है। तो किडनी का ब्लड सप्लाई होगा वो किसके द्वारा होता है, डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, बट जो ब्लड सप्लाई होगी वो रीनल आर्टरी, मतलब रीनल एब्डोमन एरोटा होता है उसका जो ब्रांच होती है रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी को ब्लड सप्लाई उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द किडनी, जो यूरिनरी ऑर्गन का जो फर्स्ट ऑर्गन होता है किडनी से रिलेटेड आज हमने डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर पार्ट से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।